लेट्स लुक एट टेक्निक एम आर पी मटीरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर डिपेंडेंट डिमांड के लिए uh, उसको हैंडल करने के लिए हम एम आर पी यूज़ करते हैं और ये पॉपुलर uh, हुई थी इन uh, 80s बेसिकली 70s एंड 80s Uh, जब जस्ट इन टाइम भी पॉपुलर हुई थी तो ये एक मेथड है एम आर पी का सिस्टम डेवलप किया था और उसको यूज़ किया था तो इसके अंदर जो हम देखें अगर बेनिफिट्स के आए तो इसमें एक तो कस्टमर्स को जो ऑर्डर्स का रिस्पांस कंपनी दे सकती है वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है इस सिस्टम को अगर इम्प्लीमेंट किया हुआ है सेकेंडली uh, मार्केट uh, में जो चेंजेस आ रही हैं उसके को भी हैंडल करने के लिए एम आर पी इज़ अ गुड सिस्टम के उसके अंदर चेंजेस को कितनी तेज़ी के साथ हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं थर्ड uh, इज़ के जो फैसिलिटीज़ और लेबर है उसकी यूटिलाइजेशन भी बहुत बढ़ जाती है क्योंकि ये आगे चलकर मैं शो करूँगा कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि ये किस तरह ये यूटिलाइजेशन वगैरह इम्प्रूव हो जाती है इन्वेंट्री लेवल टारगेट वॉज बेसिकली इन्वेंट्री लेवल तो वो भी कदरे रिड्यूस uh, हो जाती है सब्सटैशली कम हो जाती है तो वो इन्वेंट्री को मिनिमाइज uh, uh, ये कर देती है uh, इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि डिपेंडेंट डिमांड जो है उसके लिए ये एम आर पी इस्तेमाल होता है जबकि इंडिपेंडेंट डिमांड के लिए हम इकनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी का मैथड यूज़ करते हैं इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए डिपेंडेंट डिमांड क्या है बेसिकली डिमांड एक आइटम की आ, और एक प्रोडक्ट की इज़ रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ एन प्रोडक्ट अच्छा ये इसको समझने का ये है कि से जो कंपनी है वो कार प्रोड्यूस करती है ठीक है अब एक उसने डिसाइड किया कि उसने अगले हफ्ते 50 कार्स प्रोड्यूस करनी है अब इस बेसिस के ऊपर क्योंकि डिमांड अब आ गई 50 कार्स की तो उसके बेसिस के ऊपर कितने टायर्स चाहिए पांच टायर होते हैं हर कार में चार आपके यूज़ हो रहे थे एक स्टेपनी होती है तो पांच कार्स की जरूरत होती है तो 50 कार्स प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 250 टायर्स सो टायर्स की डिमांड जो है वो कार्स के ऊपर डिपेंड uh, कर रही है तो दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट डिमांड और इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है इंडिपेंडेंट uh, डिमांड के अंदर हम फोरकास्ट करते हैं कि जी डिमांड क्या होगी वो फोरकास्ट की जाती है लेकिन डिपेंडेंट डिमांड के अंदर जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन की है uh, इसकी uh, टायर्स की के डिमांड की तो उसमें कैलकुलेट की जाती है फोर नहीं की जाती फोर कैस्ट की जाएगी से एंड प्रोडक्ट की जो कि मार्केट से डिमांड आएगी और उस फोरकास्ट के बेस पर फिर हम कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमें कितनी दूसरी चीज़ें टायर्स और उसके अंदर इंजन और डिफरेंट थिंग्स वो कितनी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए है तो वो कैलकुलेट की जाती है कंपोनेंट्स को कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किसी और प्रोडक्ट के ऊपर ये हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ शेड्यूल जो है वो किसी भी प्रोडक्ट किसी भी आइटम का हम इस्टेब्लिश कर सकें तो उसके लिए हम फिर इसको आसानी के साथ यूज़ करेंगे और उसका फा, फायदा भी होगा अच्छा इसके अंदर आ, जो ये डिपेंडेंट डिमांड इन्वेंट्री के जो मॉडल्स हैं उसके अंदर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं ये जैसे एम है इसके लिए हमें मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल चाहिए कि इस एंड आइटम का शेड्यूल किया है प्रोडक्शन का बिल ऑफ मटेरियल जिसको कहते हैं कि इसके अंदर कितने कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे प्रोडक्शन के ये आगे चलकर हम इसको भी देखेंगे बिल ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री की अवेलेबिलिटी एक्यूरेट रिकॉर्ड इन्वेंट्री का होना चाहिए कि जी इन्वेंट्री हमारे पास कितनी अवेलेबल है और शेड्यूल्ड रिसीट्स हमने कब इन्वेंट्री uh, 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 का जो आइटम्स है वो रिसीव करने हैं तो वो हमारे पास डिटेल uh, होनी चाहिए uh, जैसे ये है परचेज़ ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग कि उसकी शेड्यूल कब है और लीड टाइम कितना हमें चाहिए होगा ये कंपोनेंट uh, प्रोड्यूस करने के लिए uh, तो उसके हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए इसके अंदर अगर हम देखें कि ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर कहाँ ये उसको प्लेस करते हैं तो अगर हम देखें तो सेल्स एंड ऑपरेशन प्लान इज़ द टॉप मोस्ट जिसको हम सबसे पहले डेवलप करते हैं अच्छा इसको डेवलप करने के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज डिमांड कि इंफॉर्मेशन फोरकास्ट डिमांड मैनेजमेंट की तरफ से एंड रिसोर्स प्लानिंग की तरफ से कि रिसोर्स हमारे पास क्या हैं ये हम इसको मीट भी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे अच्छा ये जो सेल्स एंड ऑपरेशन प्लान है ये फिर डिसग्रीगेट किया जाता है सेल्स एंड ऑपरेशन इसको एग्रीगेट प्लान भी कहते हैं जो हमने स्टडी भी की है तो उसको हम फिर डिसग्रीगेट करते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के अंदर और उसके लिए डिमांड जो है वो आपकी डिमांड मैनेजमेंट से उसकी फोरकास्ट भी आ रही होती है अब जो फोरकास्ट आ रही होती है यहाँ यहाँ इंडिविजुअल एस के यूज की आ रही होती है ठीक है ना और जो रिसोर्स प्लानिंग का भी ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के पास आ रही होती है एग्रीगेट प्लानिंग के अंदर तो हम एग्रीगेट टर्म में बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ सेंग के जी हमने ये ये मॉडल कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीगेट प्लान में हम एक सूडो प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं जी कार्स कितनी प्रोड्यूस करनी है बट मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के अंदर हम फिर ईच मेंबर ऑफ द फैमिली उस प्रोडक्ट की उसकी डिटेल हम लेकर आते हैं तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से फिर हम डिटेल मटेरियल प्लान बनाते हैं जो कि ये हमारा एम लेवल का प्लान होता है और इसके लिए इंफॉर्मेशन हमें इन्वेंट्री की डाटा बिल्स ऑफ मटेरियल के उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे और किस सीक्वेंस में होगा और फिर जाता है ये मटेरियल और कैपेसिटी प्लान डेवलप किया जाता है जहाँ से डिटेल कैपेसिटी प्लान भी इधर आता है इधर मटेरियल प्लान आता है तो मटेरियल एंड कैपेसिटी प्लान डेवलप होता है सो so दैट कि ये कैपेसिटी इसको मीट कर लेगी ये मटेरियल जो डेवलप होगा और फिर इसकी इंफॉर्मेशन फर्दर जाती है शॉप फ्लोर इज़ बेसिकली योर फैक्ट्री फ्लोर कि फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन ये ये प्रोडक्शन होनी है और अगर ये बाहर से परचेज़ करना है तो वो फिर सप्लायर और वेंडर सिस्टम होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और उधर से ऑर्डर्स रिलीज़ होते हैं और इसकी जो फिर इंफॉर्मेशन है फीडबैक इट विल गो टू इन्वेंट्री डेटा सो दैट उसके अंदर इनपुट हो जाए डेटा के अंदर चला जाए कि जी ये ये शेड्यूल बन गया प्रोडक्शन का ये परचेज़ का शेड्यूल बन गया और ये मटेरियल हमें रिसीव हो जाना चाहिए और इस तरह इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी तो उसकी डिटेल भी आ जाती है सो so दैट इसको हम यूज़ करें फर्दर एम का जो बनाएंगे रिकॉर्ड वगैरह उसके अंदर इसको यूज़ किया जा सके